वेलकम टू द केमिकल साइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा क्या। पहले आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं इसे डिस्कस। हाँ, इसके पहले की वीडियो में हमने बात कर ली थी क्रैम रूल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप उसको देखिएगा फिर इसको, क्योंकि ये है क्रैम सिलेट मॉडल एंटी क्रैम रूल, यानी कि क्रैम रूल का बिल्कुल अपोजिट पार्ट है ये। अगर आप उससे पढ़े रहेंगे तो इसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो एंटी क्रैम रूल या फिर क्रैम चिलेट मॉडल को करने के लिए हमें ये सब कंडीशन फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहले क्या है, हमें वो देखना है। सबसे पहले हमारे पास कोई जो भी हमारे पास एग्जांपल दिया होगा या फिर जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा, उसमें हम देखेंगे कि हेट्रो एटम, उसके पास लोन पेयर अगर अवेलेबल है तो उसमें हम क्रैम चिलेट मॉडल लगाएंगे। आप वहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, पहले हम इधर समझ लेते हैं। हेट्रो एटम, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, OH- O-, Na2, इसके पास भी लोन पेयर है। अब चाहे वो माइनस सात हो चाहे ना हो, लेकिन उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, NH2, C11O-2, SR, SH, S-। अगर हमारे पास कोई हेट्रो एटम, उसके पास लोन पेयर है, तो उसमें हमारा क्रैम चिलेट मॉडल लगने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे पास मेटल भी कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है नंबर दो, मैंने मेटल कॉमनली इन्वॉल्व इन चिलेशन, ये है चिलेशन। आप पूरा लिख लेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, चिलेशन। तो कौन कौन से मेटल हैं, Li+, Mg2+, Mn2+, Cu2+, Zn2+, Ce, Cr3+, Ti4+। तो ये सब अगर मेटल हमें उसमें दिखेंगे तो उसमें हम क्रैम चिलेट मॉडल लगाएंगे। और कौन कौन से मेटल यूज़ नहीं होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मेटल नॉट इन्वॉल्व इन चिलेशन, ये नहीं रहेगा, इन्वॉल्व इन चिलेशन। मेटल नॉट इन्वॉल्व इन चिलेशन। सोडियम एंड पोटेशियम, अगर हमारे पास कोई मेटल होगा तो उसमें हमारा चिलेशन नहीं होगा, और चिलेशन में ये वाले होंगे। अभी हम एग्जांपल में समझेंगे, फिलहाल आप इसे समझिए। और जब हम क्रैम रूल में जब बात करते थे तो हम पर स्मॉल, मीडियम, लार्ज ग्रुप कैटेगराइज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो हेट्रो एटम परसेंट होगा उसको हम देखेंगे वो सिन है कि एंटी है। तो वही पे लिखा है यहाँ पर, ये LP मतलब लोन पेयर वाला, अगर सिन होगा कार्बोनिल के तो अटैक होगा स्मॉल ग्रुप साइड से। जो हमारे पास स्मॉल की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, वही न्यूक्लियोफाइल जो हमारा अटैक करेगा उसकी भी स्टीरियो केमिस्ट्री वही हो जाएगी। और लोन पेयर अगर हमारा एंटी होगा तो उस एंटी कार्बोनिल के होगा, तो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी हो जाएगी मीडियम। अब ये कैसे होगा उसको हम समझते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको देखना है इसको। अब इसमें क्या देखना है, C double bond O PH, और इधर ME, इधर H, और इधर OH। OH के पास अगर आपके पास लोन पेयर, देखिए इधर OH है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, और ये इसके क्या है, सिन में है, ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों आपस में सिन है ना। जब सिन होता है, ये इसके सिन में हो गया, क्योंकि अब हम इन दोनों में से इसको स्मॉल मीडियम कैटेगराइज करेंगे, तो ये वाला स्मॉल हो जाएगा और ये वाला मीडियम। यहाँ पर लार्ज ग्रुप नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक, अब हम लार्ज ग्रुप को सिन एंटी नहीं देखना है, अब हमारे पास हेट्रो एटम जिसके पास लोन पेयर है उसको सिन एंटी देखना है। तो ये हो गया हमारा सिन में, और ये हो गया हमारा स्मॉल, ये हो गया मीडियम। तो अब हमारे पास यहाँ पर दिया है Zn, ये हो जाएगा यहाँ से Zn2+, और ये हो जाएगा BH4 माइनस हो जाएगा, और यहाँ से जब H- निकलेगा हमारे पास, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये यहाँ पर अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड इस तरह खुलेगा। इसके पूरी मैकेनिज्म देखने के लिए आप क्रैम रूल की वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं दिखाऊंगा, बस सीधे सीधे रिएक्शन दिखाऊंगा। तो ये जब यहाँ पर अटैक करता है तो इस H की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, हमें ये दिखाना होता है, तो वही दिखाते हैं हम। चलिए, ये हो गया हमारा pH, और इधर की ही इधर वाला पोर्शन हम सेम रख लेते हैं, इधर है OH, और इधर ME ऊपर की साइड, H नीचे की साइड। ME ऊपर की साइड हो गया। अब यहाँ पर भी हम दो बॉन्ड ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा H कहाँ आएगा या फिर OH कहाँ पर जाएगा। तो देखो, जब सिन में होता है तो
स्मॉल ग्रुप साइड से अटैक करेगा, यानी कि स्मॉल वाले की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो बिलो दी प्लेन है, तो स्मॉल वाले की स्टीरियो केमिस्ट्री जो बिलो दी प्लेन है, तो याद है हाइड्रोजन हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो अटैक कर रहा है, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी बिलो दी प्लेन हो जाएगी, तो OH हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा। ये हो गया हमारा ये एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और इसके पास यहाँ पे लगा हुआ ये NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप के पास देखिए इसके पास एक लोन पेयर है, तो अब ये इसमें हम क्रैम चेलेट मॉडल लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप होता जिसके पास लोन पेयर नहीं होता तो उसमें हम क्रैम रूल लगाते हैं, जैसे हम क्रैम रूल करते हैं, लेकिन अगर उसके हमारे इसके पास अगर लोन पेयर होगा तो उसमें हम क्रैम चेलेट मॉडल या फिर एंटी क्रैम रूल लगाएंगे। तो देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, यानी कि ये कार्बोनिल ग्रुप के इस तरह से यानी कि एंटी पोजीशन पर है। जब एंटी होता है तो अब हम इन दोनों में से पहले स्मॉल मीडियम कर ले, तो ये मिथाइल है स्मॉल, ये एथाइल है, ये हो गया मीडियम। अब ये हो गया एंटी, पहले इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं क्या होगी। ये हो जाएगा हमारा pH और इधर NH2 आपका ऊपर की साइड आपका ET है, नीचे की साइड मिथाइल है, और इधर भी हम बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। चलिए हमने बॉन्ड ड्रॉ कर लिया है, देखिए यहाँ पर हमारे पास मेटल प्रेजेंट है Mg2+। देखिए हमारे पास मेटल Mg2+ और ZN उधर 2+, उसमें 2+, यानी कि मेटल भी हमारे पास प्रेजेंट है और हमारे पास ये लोन पेयर वाला भी अवेलेबल है, तो इसमें हम क्रैम चेलेट मॉडल लगा सकते हैं इजीली। तो अब इसमें से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ से जो H है हमारा H- जो यहाँ पर होगा वो अटैक जब करेगा, वो कहाँ पर आएगा, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाएगी जब इस दोनों एंटी होता है, जब एंटी होता है तो मीडियम साइड से, मीडियम वाला है ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड आ जाएगा हमारा H यहाँ पर और ये हो जाएगा OH। एक बार फिर समझिए, देखिए ये इसके एंटी में है लोन पेयर, जब एंटी में होता है तो मीडियम से अटैक करता है, तो इसमें मीडियम वेज से है, तो अगर हमारा H हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है तो H की स्टीरियो केमिस्ट्री अबव द प्लेन हो जाएगी, यानी कि जो मीडियम की स्टीरियो केमिस्ट्री है वही हमारी H की भी हो जाएगी। अब एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं और एक दो एक्सेप्शन केस है उसको भी हम लिख लेते हैं, तो उसको देख लेते हैं हम जो भी है, तो और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया मैंने। हाँ ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप और हमें देखना है कि हमारे पास लोन पेयर वाला कहाँ पर है, तो ये देखना है OR, O के पास हमारे पास लोन पेयर है, लेकिन अगर हमारे पास सिन होता था और एंटी होता था तो हम करके कर सकते थे, सिन अगर हमारा कार्बोनिल ग्रुप के सिन में होता था तो स्मॉल से अटैक, एंटी होता था तो मीडियम से अटैक, लेकिन अगर ये वेज साइड पे आ जाए तो फिर कैसे करना है। अगर आपने क्रैम रूल की वीडियो पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसको रोटेट करके इस प्लेन वाले पर लेकर जाएंगे ताकि ये इसके सिन या एंटी में पहुंच जाए, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो भी होगा, लेकिन पहले अभी हमें इसे रोटेट करना होगा। उसके लिए हमें करना पड़ता है साहस प्रोजेक्शन में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो इधर वाला ये होता है वेज से और जो इस साइड वाला होता है इसको हम डैश से दिखाते हैं। अब देखो इस वाले वेज पर इधर OR है, OR हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस डैश वाले पर H है तो ये H हम यहाँ पर लिख लेंगे, और ET प्लेन वाले पर है तो इस प्लेन वाले पर हम ET यहाँ पर लिख लेंगे। अब इस OR वाले को हमें प्लेन वाले पर लेकर आना है, तो इसको हम इस साइड मूव करा देंगे रोटेट करके इस वाले पर, और इस H को इस वाले पर, और इस ET को H वाली जगह पर, और इस H को इसकी जगह पर, फिर इसके बाद हमारे पास क्या बनकर आएगा उसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें बॉन्ड को वैसे ही रखना है, बस हमें OR को इधर कर देना, OR आ गया हमारा यहाँ पर और ये H पहुँच गया यहाँ पर और ET यहाँ पर आ गया। अब इसको उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, चलो यहीं पर लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास C OH, इधर है pH, और जो हमारा वहाँ पर जिस तरह से बॉन्ड हम उसको उसी तरह से ड्रॉ कर लें पहले इस तरह से,
अब हम इसके हिसाब से इसमें सेट करेंगे। ये प्लेन वाले पर ओ आर है तो ओ आर हमारा प्लेन वाले पर यहाँ पर, और वेज वाले पर एच है वेज वाले पर एच, डैश वाले पर ई टी है तो डैश वाले पर ई टी। अब देखो इसमें हमारे पास मेटल कौन सा चिलेशन में यूज़ होता है, जेड एन टू प्लस और या फिर कॉपर टू प्लस, मैंने यहाँ पर लिखा था जो भी था उसको अब नोट कर लेंगे, लिथियम टू प्लस, सीरियम थ्री प्लस, जो था उसको आप देख लेंगे। यहाँ पर जेड एन टू प्लस है, इसका मतलब चिलेशन है, मेटल है तो इसमें चिलेशन होगा। तो इसमें अगर ये बी एच फोर माइनस है, यहाँ से एच माइनस निकल कर जब इस पर अटैक करेगा, जब ये एच माइनस आकर यहाँ से अटैक करेगा तो फिर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, अब हमें उसको देखना है। तो फिलहाल हम उसको ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा, इधर वेज इधर डैश। अभी उसके बाद देखेंगे कि उससे जाना कहाँ पर है। ये हमारा ये प्लेन वाला बॉन्ड हो गया, ये हो गया वेज वाला, और ये हो गया हमारे पास डैश वाला। इधर जैसे ड्रॉ है हम उसको ड्रॉ कर लेंगे, ई टी, इधर आपके पास एच है, इधर ओ आर है। हाँ, अब देखते हैं कि एच जाएगा कहाँ पर। तो ये ओ आर जो है लोन पेयर वाला है, इसके सीन में आ गया। जब सीन होता है तो हमारे पास कौन सा अटैक होता है, अभी अब मैंने नोट करा था, आप देख कर बताइए। जब ये सीन में होता है तो अटैक होता है स्मॉल साइड से, ये स्मॉल वाला देखिए वेज पर है, तो यहाँ से जो एच अटैक कर रहा है तो वो वेज पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ओ एच। अभी ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं आया है, क्योंकि अभी ये वाला पोर्शन जो इस क्वेश्चन में था इसको आपको वापस से लिखना है। आप पहले इसको वापस से इस तरह से लिख लें, ये पी एच यहाँ पर और ये वेज वाला बॉन्ड इस तरह से, और ये डैश वाला बॉन्ड इस तरह से, ये ओ एच, ये एच, और जो आपने इसको रोटेट करके इसे लिखा है तो वापस आपको यही वाला पोर्शन फिर से यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर ई टी जो आपके पहले था, इधर एच और इधर ओ आर, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ पे लिखा है कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि हमारे पास कोई सबस्ट्रेट होगा और उसके साथ एन ए बी एच फोर यानी कि एन ए प्लस, जो कि हमारा चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसके साथ एम ई एच कोई मेथनॉल सोल्यूशन है। अगर ये कोई सबस्ट्रेट है हमारे पास और उसमें एन ए बी एच फोर दिया है, यानी कि उसमें कोई भी चिलेशन वाला मेटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसमें हम क्रैम रूल लगाएंगे। अगर उसमें मेटल हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जेड एन टू प्लस था, अगर यहाँ पर जेड एन टू प्लस ना होकर एन ए प्लस होता तो इसमें हम चिलेशन ना करके क्रैम रूल लगाते, वही यहाँ पर लिखा गया है। और अगर हमारे पास सबस्ट्रेट हो एन ए बी एच फोर ही हो, लेकिन यहाँ पर सी ए सी एल थ्री कर दिया जाए, तो ये सी ई सी एल थ्री का मतलब है सी ई थ्री प्लस, यानी कि ये वाला जो मेटल है वो हमारा चिलेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें हम लगाएंगे एंटी क्रैम रूल, या फिर आप कह सकते हैं क्रैम चिलेट मॉडल। ये हो गया हमारा एंटी क्रैम रूल या फिर क्रैम चिलेट मॉडल, ख़त्म हो गया। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।